नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी यूएसबी या पेन ड्राइव को अपने पीसी या अपने लैपी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं एक सिक्योरिटी की तरह। इससे होता क्या है कि आप जब अपनी यूएसबी या अपनी पेन ड्राइव को अपने लैपी या पीसी से निकाल देते हैं तो आपका सिस्टम पूरा स्लिप हो जाता है, मतलब आपका कीबोर्ड डिसेबल हो जाएगा, आपका माउस डिसेबल हो जाएगा और आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है वो भी आपकी डार्क ब्लैक हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हमारे चैनल के जब आप पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन आता है, यहाँ पर क्लिक कर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे और सोशल मीडिया के लिंक हैं, फेसबुक, ब्लॉग, गूगल प्लस, ये लिंक है। तो दोस्तों आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर टैक्स रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पेज खोलना होगा। जब आपका गूगल पेज खुल जाएगा तो आपको यहाँ पे टाइप करना है predator.usb.com। जब आप इस पर क्लिक करेंगे पेज आपके सामने खुल के आएगा। इसके पहले ही लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये साइड में एक बटन आएगा, ये आपको दिख रहा होगा डाउनलोड प्रीडेटर, यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये पहले से ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद करना क्या है। उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लेंगे इसको तो आपके पास, मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है सॉफ्टवेयर, फिर लेना है वो सॉफ्टवेयर में जाके आया, मैंने बाहर पे ही सेव किया, ये है इंस्टॉल प्रीडेटर। तो इस पे हम क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आनी है, खाली नेक्स्ट 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 करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको डेस्कटॉप पे ये एक आइकन बन के आ जाएगा। इस आइकन पे क्या करना है, डबल क्लिक कर लेना है। जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो आपसे ये पूछेगा, बिफोर यूजिंग दिस प्रोग्राम यू मस्ट रजिस्टर ए की, इंसर्ट योर यूएसबी फ्लैश ड्राइव नाउ। तो मैंने यूएसबी अपने लैपी में लगाई हुई है, इसको मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है इसके ऊपर, पासवर्ड, पासवर्ड देने के लिए, क्योंकि मैंने ये यूएसबी पहले से ही यूज की है इसमें, ठीक है, तो इसलिए ये दिखा नहीं रहा है। तो ये सिर्फ कह रहा है कि इसको रजिस्टर कर लो और ओके कर दो। तो इसको मैं रजिस्टर्ड कर देता हूँ, तो ये मेरा रजिस्टर्ड हो चुका है। और आइकन्स में जाना है और आपको इस ऑप्शन पे जाना है, ये जहाँ पे ग्रीन मार्क हो रहा है इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसके प्रीफ्रेंस पे जाएंगे। इसके प्रीफ्रेंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये रीड इंटरवल, इसको आप कम कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप यूएसबी निकालेंगे उसके 5 सेकंड बाद आपका सिस्टम पूरा स्लिप हो जाएगा, ठीक है। और उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको यूएसबी लगानी होगी और आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर मैं ये यूएसबी निकाल देता हूँ तो ये मेरा सिस्टम स्लिप हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग ये बंद हो सकती है, तो ये मैं कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लेना अपने सिस्टम में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टेक वीडियो बनाते रहते हैं। धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।